गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे हैं ना? सो नाउ आई वेलकम यू इन आवर ईवीएस क्लास यूविका। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, कितना प्यारा पिक्चर बनाया है आपने बेटा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यूविका। और भी किसी ने बनाया है क्या? ड्राइंग बनाई है आप लोगों ने? शो मी योर ड्राइंग। बस पूछते हैं, बनाते नहीं आप लोग? और किसी ने नहीं बनाया? क्लैप फॉर यूविका एवरीबडी। सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे यूविका के लिए। और एक पिकॉक भी बनाया है इसने, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। डिंपल, क्लैप फॉर यूविका। ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं बेटा आपको? So we have completed all the exercises except one of chapter 5. एक exercise हमारी रह गई है, बाकी सारी हमने बेटा complete कर ली है ना। So today we will complete it, exercise number 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जोगेंद्र, योर ड्राइंग इज ऑल्सो ब्यूटीफुल बेटा, बहुत लेट दिखाई आपने। क्या बनाया है ये? इसका नाम नहीं लिखा नीचे। जोगेंद्र ने भी एक पिक्चर बनाया है, एनिमल है ना ये? दैट इज एनिमल, वेरी गुड। क्लैप फॉर जोगेंद्र ऑल्सो। हिमांशु, क्लैप फॉर जोगेंद्र। अनुष्का, सब बच्चे करेंगे। विनिशा, राघव, विनय, डिंपल एंड विनिशा। ओके बेटा, लेट्स टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन। What do birds use their beaks for? ठीक है, सो व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर?
बर्ड्स के जो बीक होती है उनका क्या काम है, क्या काम आती है वो? So what will be answer of this question, beta? तो हमने इसमें पढ़े थे ना मल्टी पर्पस टूल्स ऑफ बीक्स, चिड़िया के बर्ड्स के बीक के अलग अलग काम, बहुत सारे काम हमने देखे थे। वेरी गुड कनिका, यू आर ऑलमोस्ट राइट, सो लेट राइट टू हियर। Birds use their beak to do many things. बर्ड्स अपनी चोंच का इस्तेमाल कई कामों के लिए करती है, बहुत सी चीज़ों के लिए करती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू पिक ग्रेन्स Tear flesh peck and flight second point इसी का सेकंड पॉइंट टू क्लीन एंड स्मूदन देयर feathers third point is to feed their young ones to feed their young ones and the last point is to make nest so all these are the purpose of their beaks
Firstly, you write, then I'll explain. Now see on the board. क्या काम है बेटा? बर्ड्स की बीक का काम क्या है? बर्ड्स यूज देयर बीक टू डू मैनी थिंग्स. बहुत सारे चीजों के लिए बर्ड्स अपने बीक का यूज करती है. सी द फर्स्ट पॉइंट, टू पिक ग्रेन्स, टियर फ्लैश, पैक एंड फ्लाइट. मीन्स ग्रेन्स पिक करने के लिए, पिक करके उठाते हैं ना चुगने के लिए. टियर फ्लैश, फ्लैश को फाड़ने के लिए, मांस को फाड़ने के लिए, ठीक है. और उड़ने के लिए. और पैक क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक? चोच मारना. चोच मारते हैं ना एक दूसरे को, चोच मारती है उस तरीके से ये काम है इनका फर्स्ट पॉइंट में. नाउ सी द सेकंड पॉइंट, टू क्लीन एंड स्मूदन देयर फैदर्स. अपने फैदर्स को, पंखों को स्मूथ करने के लिए, चिकना करने के लिए और क्लीन करने के लिए, ठीक है. थर्ड पॉइंट, टू फीड देयर यंग वंस. अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए. फोर्थ पॉइंट, टू मेक नेस्ट. घोंसले बनाने के लिए, ठीक है. तो ये सारे यूज हैं इनकी बीक के. नाउ लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर टू. What do birds use their clothes for? What do birds use their claws for? अब उनके claws का, पंजों का क्या काम है birds के लिए? क्या करते हैं वो अपने पंजों से? How they are useful to birds? For this answer, beta, we will write they use them to hold on to things on to things swim and fly. It also helps them to catch
food. And protect themselves. From enemies. नहीं करने का बेटा, ये आंसर नहीं है इसका, ठीक है. सो व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर क्लोज फॉर? इनके पंजों का, इनके क्लोज का क्या काम है इनके लिए? दे यूज देम टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, चीजों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए इनका यूज करते हैं. किन का? क्लोज का. स्विम एंड फ्लाई, स्विम करने के लिए, फ्लाई करने के लिए अपने क्लोज का यूज करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प देम, और ये जो क्लोज है हेल्प करते हैं क्या करने में? टू कैच फूड, खाने को पकड़ने में, इनका खाना पकड़ने में. एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज, अपने दुश्मनों से खुद की रक्षा करने में भी इनके क्लोज काम में आते हैं. ठीक है बेटा. दिखाई दे रहा होगा बेटा, दिख रहा है ये तो. सेकेंड का आंसर है ये, ठीक है. आई एम राइटिंग इट अगेन. दे यूज देम टू होल्ड on two things. Swim and fly. It also helps them to catch food and protect themselves from enemies.
Now write it, please. Quickly. Now I am writing next question. Third number. What do the beaks of birds differ in shape and size? So it means, what do the beaks of birds differ in shape and size? Birds के beak जो है वो अलग अलग size और अलग अलग shape में क्यों होती है, क्या purpose है? Answer. A bird uses its beak to feed itself. Thus, the beak of a bird that eats nuts differs from the beak of a bird that eats flesh. A bird uses its beak to feed itself. Bird जो होती है अपनी beak का use खुद को खाना खिलाने के लिए करती है, कोई और उसको खाना नहीं खिला सकता है. Thus, the beak of a
बर्ड दैट ईट्स, यानी कि जो नट्स खाने वाले बर्ड्स हैं उनकी जो बीक होती है वो अलग होती है फ्रॉम द बीक ऑफ अ बर्ड दैट ईट्स फ्लैश। फ्लैश खाने वाले जो बर्ड्स होती है उनकी बीक नट्स खाने वाले बर्ड्स की बर्ड्स से अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद खाना खाते हैं, उन्हें कोई खाना खिलाता नहीं है। अब जिस टाइप का उनका खाना होगा उसी टाइप की उनकी बीक होगी। ठीक है बेटा, राइट इट डाउन फास्ट बेटा। Who have written already, they will read this answer again. फिर से पढ़िए इस आंसर को। Have you understood? समझ में आया सबको? डिंपल क्या समझ में नहीं आया बेटा? सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर? थर्ड नंबर समझ में नहीं आया? इसमें ना समझने वाली क्या बात है बेटा? इन्होंने ये पूछा है कि बर्ड्स की जो बीक वो अलग अलग शेप की और साइज की क्या काम के लिए होती है? क्यों होती है भाई इनकी अलग अलग साइज की अलग अलग शेप की बीक क्यों होती है? ये क्वेश्चन है इनका। ठीक है, तो क्यों होती है? द बर्ड्स यूजेस इस बीक टू फीड इट्सेल्फ। वो जो बीक होती है बर्ड्स की वो खुद, बर्ड्स जो होते हैं बेटा अपना खाना खुद खाते हैं या कोई खिलाता है उन्हें? नहीं खिलाता ना, वो अपना खाना खुद खाते हैं, अपने चोंच की सहायता से खाते हैं। दस इस प्रकार से द बीक ऑफ अ बर्ड दैट ईट नट्स, जो नट्स खाने वाले, यानी कि नट्स क्या होते हैं? गिरी, गिरी जो होती है ना, गिरी खाने वाले जो भी बर्ड्स होते हैं उनकी बीक उनसे अलग होती है जो कि मांस खाने वाले बर्ड्स होते हैं, है ना। अब मांस खाने वाले बर्ड्स की जो बीक होती है वो तो ऐसी हुक्ड की शेप में होती है ना, लेकिन ये जो अलग टाइप का खाना खाते हैं, जो नट्स खाते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं, उनकी बीक अलग टाइप की होती है क्योंकि उनको तो पिक करके खाना होता है, उनको फ्लैश को टियर करने की तो जरूरत होती नहीं है इसी वजह से। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास बेटा। राइट योर होमवर्क। यू हैव टू लर्न एंड राइट सी डब्ल्यू अगेन इन फेयर नोटबुक। ठीक है, फेयर नोटबुक में करेंगे आप इस काम को, रिपीट करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? सो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बेटा।